बढ़िया भजन होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और बात उस समय की है, पार्वती जी भोलेनाथ से कह रही हैं कि भोलेनाथ पर्वत पर मुझे बहुत दिन हो गए और कहीं तुम घुमाने नहीं ले गई मुझे, आज मैं घूमने चलूंगी। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में घूमने मत जाना, क्योंकि वहां दाल नहीं गलेगी। अब गौरा करिए, मैं जरूर घूमूंगी। तो ठीक है चलो। अब भोलेनाथ और गौरा दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। नांदिया साथ में है। एक जंगल में पहुंच गए और वहां खाली एक चबूतरा बना हुआ है। भोलेनाथ ने सर नवाया। अब गौरा कह रही है कि यहाँ न कोई मंदिर न कोई पुजारी, और आपने ये सर क्यों नवाया, क्या बात है? आहा, किस तरह कह रही है? हाँ, बना हुआ मठी बियाबान में, और ना कोई प्रेम पुजारी रे, क्यों कर शिष्य नवाया तुमने, समझा दो के पुरारी रे, क्यों कर शिष्य नवाया तुमने, समझाओ तो पुरारी रे, बना हुआ मठ पिया देखूंगी। ऐसे नहीं, पहले तुम एक चिड़ैया बन जाओ। ठीक है, श्याम चिड़ैया गोरा बन गई, क्या भोले की माया है। श्याम चिड़ैया गोरा बन गई, क्या भोले की माया है। डमरू वाले बाबा ने डमरू वाले बाबा ने एक जाट का रूप बनाया है। डमरू वाले बाबा ने एक जाट का रूप बनाया है। लंबी लाठी ले हाथों में, अरसा नहीं लगाया है। लंबी लाठी ले हाथों में, अरसा नहीं लगाया है। बीच काम में पहुंच गए, अब कैसा खेल रचाया है। अपनी पत्नी त्रिवेणी से कह के चला गया कि मैं शहर जा रहा हूं और शाम तक आऊंगा। लेकिन भोले बाबा आज 9 बजे ही पहुंच गए सुबह। अब जाटनी को बोल दिया कि जाटनी तू कहां है, चल दिया। क्या हुआ सुन के बोले लिकर के आई रे 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 रे। सुन के बोले लिकर के We'll be right back.
बाबा ने। और ये 101 रुपए राजू डेयरी वाले ये दान करते हैं बार बार, धन्यवाद। और ये 100 रुपए ललित चौहान और हुकम सिंह जी, ये 100 रुपए देते हैं बार बार, धन्यवाद। और 20 रुपए कुमरपाल जी, ये भी भागवत में दान करते हैं बार बार, धन्यवाद। अब गौरा मैया पीपल के पेड़ पर श्याम चरिया बन के बैठ गई, भोले बाबा जाट बन गए और त्रिवेणी के घर के बाहर आवाज लगाई। त्रिवेणी, त्रिवेणी बाहर निकल के आई, बोली कि तुम इतनी जल्दी लौट के क्यों आ गए, तुमने तो कहीं कि शाम तक आऊंगा मैं, क्या हुआ? इतनी जल्दी लौट के आए कारण हमें बताओ ना, इतनी जल्दी लौट के आए कारण हमें बताओ ना। सुन के भोला कहने लागे प्यारी देर लगाओ ना, सुन के भोला कहने लागे प्यारी देर लगाओ ना। और ये 200 रुपए का पुरस्कार, 5 रुपया 500 अच्छा हाँ 50 रुपए कुलदीप हलवाई जी हैं बरौली निवासी, और ये 50 रुपए का पुरस्कार करते हैं बार बार, धन्यवाद। बोली के बहुत जल्दी आ गए तो क्या कह रहे भोले बाबा, ये गया सुबह का भूखा घर पे ज्यादा और सताओ ना, गया सुबह का भूखा घर से ज्यादा और सताओ ना। बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना भी खिलाओ ना। बहुत जोर की भूख पुरस्कार ले करके जल्दी हाथी को तुरंत हटाओ ना, पुरस्कार ले करके हाथी को जल्दी हटाओ ना। भोलेनाथ ने कही मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो ठीक है आओ क्या, अरे दूध का बेला ले के आई, दूध का बेला ले के आई, गुड़ की डरी लेकर के दूध पी रहे हैं। और कहा भोलेनाथ ने कि भाई के बाद लगा दे, मुझे शर्म आती है खाने पीने में, कुंडी लगा दी और भोलेनाथ दूध पी रहे हैं। और उधर असली पति आ जाते हैं बाजार से लौट के, अब क्या होता है बहुत अच्छे, आवाज दे रहे बाहर से, जाटनी
जल्दी खोल के बार जाट की क्यों बन देर लगाई, जल्दी खोल के बार जाट की क्यों बन देर लगाई। कब से बोले बालम तेरा बोल जरा अन्यायी, कब से बोले बालम तेरा बोल जरा अन्यायी। अब एक उसका पति भी तो डूब भी रहा है और एक बाहर आवाज दे रहा है। अब त्रिवेणी सोच में पड़ गई, दीवार खोली और ऐसी शकल बाहर वाले की और ऐसी शकल भीतर वाले की। अब बोली अब क्या होगा, इसमें मेरा पति कौन सा है, अब क्या होता है। अरे आगे पीछे देख रही, आगे पीछे देख रही त्रिवेणी मन घबराई, आगे पीछे देख रही त्रिवेणी मन घबराई। खोली घर में घुस गया भूत मेरे, हर घर में घुस गया भूत मेरे, यो त्रिवेणी चिल्लाई, की घटा बहुत अच्छे बोला रे बोला। अब कहने लगी अब क्या होगा, सारे गांव में हल्ला मच गया। अब क्या होता है, पंच लोग सब आ गए और कहा कि फैसला वही होगा जहां चबूतरा है। श्री राधे भैया श्री राधे। देखिए जे भैया हवन ने दांग दांग के बार बार लगा रखे, चौल गलत बात ऐसे ना होना चाहिए। इनाम दे रहे हैं, साइड से आ जाओ भैया, या तो छोड़ दो कम से कम। हवन कुंड को तो भैया माफ करो जाए, वैसे जैसे दो चार दिन में जाए आज ठीक ठाक प्रॉब्लम समाप्त तो भैया, फिर से कल दिन निकले हुए है नो लगे। बोलो जय श्री राधे, आवाज में है जोर से बोलो राधे राधे। बहुत अच्छे और ये 50 रुपए हमारे व्यास जी महाराज के पिताजी कन्हैया लाल जी, ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए देते हैं, बार बार धन्यवाद। और व्यास जी महाराज सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके आपको सम्मान करें। पीयूष और प्रिंस ये 100 रुपए भागवत में देते हैं, बार बार धन्यवाद। सभी पंच वहीं पहुंच गए जहां भोलेनाथ ने शरण बाया था,
अब गौरा ऊपर पेड़ पर बैठी है, चिड़ैया बन के देख रही है कि पंच वहीं आकर के बैठ गए जहां वो चबूतरा बना हुआ है। अब देख रही है कि ये पंच फैसला कैसा करते हैं। दो दो पति हैं, लेकिन असली पति कौन सा है? एक जैसी शक्ल दोनों की। अब पंच कहने लगे कि भाई एक गागर मंगाओ और जो असली पति होगा वो गागर में घुस जाएगा और नकली पति बाहर रहेगा। अब भोलेनाथ गागर में घुस गए, वो तो नकली थे। अब क्या हुआ? गागर में बैठे हम भोला ऊपर रखते पाली, गागर में बैठे हम भोला ऊपर रखते पाली। गौरा रानी सोच रही है कि अब ना बचेंगे, इनकी सांस घुटी है मरे भोलेनाथ। ऊपर से ताली रख गई और छीकनी मट्टी से लेस गई बिल्कुल। क्या गौरा कह रही है? अब ना बचने पिया मेरे, घबरा गई गौरा नारी, अब ना बचने पिया मेरे, घबरा गई गौरा नारी। अब गागर फोड़ निकल के आए, गागर फोड़ निकल के आए शिव शंकर के पुरानी, गागर फोड़ निकल के आए शिव शंकर के पुरानी। लक्ष्मण के हजिया पुरवासी बात समझ गई सारी, लक्ष्मण के हजिया पुरवासी बात समझ गई सारी। अरे इसको कहते पंच फैसला, आइए एक भजन और। नरसिंह जी जब अपने